50वें प्रकाश पर्व के शुक्राना समारोह के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की खूब सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 350वें प्रकाश उत्सव के समापन समारोह में जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं वो काबिल-ए-तारीफ है। गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व के मौके पर शुक्राना समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और पंजाब के पूर्व डेप्यूटी सीएम सुखबीर सिंह बादल पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास पर आने मार्ग जाकर मुलाकात की और भव्य आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया पर अब लालटेन की राजनीति शुरू हो गई है। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के हाथ में लालटेन देखकर तेजस्वी ने कहा कि नफरतों के खिलाफ मोहब्बत की लालटेन जलाते रहना है। हार्दिक ने ट्वीट कर लिखा है कि आज मैं अपने गांव आया हूं, लेकिन आज गांव में बिजली चली गई तो मैंने लालटेन जलाई और अंधेरा दूर किया। बहुत काम आता है लालटेन, आज पता चला है। मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नक्सली भी इसी समाज के अंग हैं, उन्हें भी मान सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। पुलिस ने नक्सली के नाम पर निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया है। उन्होंने कहा कि असली उग्रवादी नेता हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद छेदी पासवान ने कैमूर जिले में चल रहे सांसद आदर्श ग्राम के विकास का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब चारा घोटाला हुआ था उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी। उन्होंने कहा कि लालू को अदालत सजा दे रही है और बीजेपी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 93वें जन्मदिन पर शहर से लेकर प्रखंड मुख्यालय में केक काट कर लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। कटिहार में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों के बीच 10,000 साड़ी का वितरण किया। आजमनगर प्रखंड के ग्रामीण इलाके में बाढ़ पीड़ित परिवारों को मदद देने के लिए जाप के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्रिसमस को लेकर बिहार की राजधानी पटना के तमाम चर्चों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इस मौके पर लोग मोमबत्ती जलाकर प्रभु योशी से प्रार्थना करते रहे। मोतिहारी के डुमरिया घाट में ट्रक और बस की आमने सामने टक्कर होने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कटिहार के मुफसिल थाना क्षेत्र के कोलासी पुल के निकट तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कटिहार की तरफ से आ रहे ट्रक ने अनियंत्रित होकर सामने से आ रही मोटरसाइकिल सवार एक युवक को रौंद दिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया।